मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। अरे रो क्यों रही है, मुंह से बोलना क्या हुआ है। टैक्सी का नंबर याद है? मैं उसे भी इतना घबरा कि मैं उसको पीछे से चिल्लाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अश्विनी शिमाली। जैसा कि इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है बिकॉज हम बहुत बिजी चल रहे हैं, इनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ नहीं। तो आज मैं मार्केट गई थी तो अब आई हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं ही क्यों ना प्रैंक करती हूँ इनके साथ। तो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे आज का प्रैंक क्या होने वाला है। मुझे पता है अगर किसी भी इंसान को ये बोला जाए ज्वेलरी गुम गई है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, बिकॉज ये फ्रस्ट्रेटेड भी है वर्कलोड से और आज मैं ऐसा प्रैंक कर रही हूँ। मुझे पता है बहुत गुस्सा करेंगे। और मार्केट जाने से पहले मैंने कैमरा रूम में लगा दिया था, तो अब मैं एक वापस घर आ चुकी हूँ। तो बने रही वीडियो के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हाँ सर, हाँ हाँ नहीं सर, लिफ्ट नहीं सर, लिफ्ट रेडी है मेरे पास। हाँ मैंने सारे लिस्ट बना दी है, बस आज शाम को मैं आपको मेल करता हूँ ना। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं सर टाइम पर है, मैं आपको आज शाम को फिक्स 5-6 बजे तक मैं आपको मैं कर दूंगा सेंड। हाँ ओके ओके सर, थैंक यू। तो ये हो गया, ये काम हो गया। क्या हुआ यार, बहुत बड़ी गलती हो गई आज मुझसे। क्या यार कैसा हो गया मुझसे यार ये? क्या हुआ? मार्केट गई थी ना मैं, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। अरे रो क्यों रही है, मुंह से बोलना क्या हुआ है, क्या गलती हुई? मार्केट गई तो मार्केट में क्या हुआ तेरे साथ, बोल तो सही। मुझे पता आप सुनते बहुत डांटोगे मेरे को। अरे प्रियंका क्या हुआ मेरे को बोल तो सही। इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हूँ, इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई आज यार। क्या हुआ क्या है भाई यार, बोल ना पहले क्या हुआ है, हमें को अब काम भी करना है वापस, जल्दी बोल क्या हुआ है, रो क्यों रही है? अरे बोलना यार, क्यों मेरे को टेंशन क्यों दे रही है? सॉरी बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ी गलती हो गई आज। अरे क्या हुआ मेरे को क्यों टेंशन दे रही है, जल्दी बोलना क्या हुआ है, रो क्यों रही है? सुन क्या हुआ, किसी ने मारा, किसी ने छेड़ा तेरे को? नहीं। तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार। गलती क्या हुई है, मेरे मुंह से बोलेगी क्या हुआ है? आप डांटोगे मेरे को, नहीं बोलना आपको, अब वो डांटोगे मेरे को यार। गलती तो बता, मैं भी सोचूंगा ना डांटना है कि क्या करना है। वो नहीं पता, बहुत बड़ी गलती हो गई आज मुझसे। मैं पूछ रहा हूँ क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई है, जवाब तो दे। परसों फंक्शन था ना घर में। हाँ तो मैं ज्वेलरी लेके आई थी आपको पता है। हाँ वो पूरी थैली भर के। हाँ मेरे सारी ज्वेलरी फंक्शन में मैंने पूरा पहना था। हाँ तो मैंने सोचा कि आज मैं वापस बैग में रख देती हूँ। बैंक जाकर आई थी? हाँ बैंक जाने वाली थी एक्चुअली। तो ऑटो में बैठी मैं, फिर पहले ना तेल उसको तेली में लिया था ताकि किसी को पता ना चले, और मैं ऑटो फ्रेंड से बात करते करते ऑटो से ऑटो में भूल गई और ऑटो वाला चला गया यार, और तू वो थैली पूरी ज्वेलरी की ऑटो में रख दी। मैं भूल गई यार, फ्रेंड से बात कर रही थी उससे। कौन फ्रेंड, कैसा फ्रेंड है ऐसा? तेरे को मैंने कितना समझा कि भेजा था, मैं कहता बैंक जा रही है तेरे को कहीं नहीं रुकना है, बीच में सीधा टैक्सी में बैठ के सीधा जाना है। मैं यार काम लेके बैठा हूँ इसलिए मैं नहीं जा पाया, तेरे को एक काम दिया वो ठीक से नहीं कर पाई तो, और पूरी थैली उड़ा दी तूने, पूरी थैली। टैक्सी का नंबर याद है? मैं उसको भी इतना घबरा कि मैं उसको पीछे से चिल्लाई, पर मैं टैक्सी का नंबर नोट करना भूल गई। मैं बहुत चिल्लाई, भैया मेरा सामान है, वो निकल गया वहां से। वो निकलेगा ही ना, वो क्यों रुकेगा? आदमी कैसा था कुछ याद है? मोबाइल नंबर है उसका, कोई टैक्सी नंबर, कहाँ से बैठी थी कुछ नहीं पता क्या? कहाँ से बैठी थी? मैं मॉल से उतर के बाहर जाने के लिए बैठी थी। हाँ बैंक के बाहर ही उतरी थी मैं, और फ्रेंड का कॉल आ गया तो मैं उतर गई और मैं वो थैली लेना भूल गई।
और जब तक तो वो निकल गया। अब मैं क्या करूं तेरा बता। तेरे को मैंने इतने से एक काम के लिए भेजा, और मैं तेरे को पता है मैं कितने दिन से परेशान हूँ काम को लेकर। 10 दिन से मैं काम लेके बैठा हूँ, ये नहीं हो रहा मेरे से। मैं क्या करूं, हो गई ना गलती। बैठो तो फिर, अब पता मैं था क्या आप करूं। डांटोगे इसलिए मैं नहीं बता रही थी आपको यार। तो ये डांटने वाले ही काम है। मेरे को कुछ तो बता, कुछ दिमाग में जोड़ लगा कि भी टैक्सी नंबर देखो, देखा होगा तूने 100% मोबाइल मैं नंबर। बात और देखो अचानक, कर रही थी ना, मैं बोला ना, मैं जब से बैठी तब से मेरे फ्रेंड को कॉल आया, बातों बातों कुछ पता ही नहीं चला। पता नहीं चला फ्रेंड कौन है। ऐसी फ्रेंड इतने टाइम से कॉल आया था, मस्ती मस्ती में बातें चल रही थी, परसों के फंक्शन की बातें चल रही थी, कैसा फंक्शन रहा, क्या रहा, उस चक्कर में भूल गई। और सारी ज्वेलरी थी उसमें, जितनी भी ज्वेलरी थी मेरी सारी। मैं तेरा क्या करूं बता। तो को मैंने हजारबा का ओला करके जाएगा, जहाँ अपने पास डिटेल तो रहती है इस बंदे की, कहाँ जाए, कौन बंदा है, कैसा बंदा है। गलती यार, ज्वेलरी मुझसे पता है ज्यादा तेरे को थी, ज्वेलरी में पता है क्या क्या आइटम थे। तेरे सारे जो मेरी शादी में आपने दिलाए थे। हाँ पास पता है बिल है इसका सब कुछ। बिल तो होंगे ना, ऑफिस गिफ्ट किए थे आपने, आधे आधे शादी वाले गहने थे। यार इतनी बड़ी गलती कर दी तूने यार, तो मतलब और खराब कर दिया तूने। ऑफिस का काम लेके बैठा हूँ, शाम को 5 बजे तक मेरे को फाइल सबमिट करनी है, और यहाँ तू नई टेंशन लिए। तो मैं इतना समझा कि भैया सुबह आएंगे, देख आराम से जाना, ज्वेलरी है आराम से जाना, ध्यान रखना। और क्या फ्रेंड लेके बैठ गई तू ये फोन पे। अब मैं तेरा क्या करूँ बता। माफ कर दो मुझे यार, मैं भूल गई वहां पे। मैं क्या कर सकती हूँ, तेरे को मैं पता वहां है, आधे घंटे से मैं रो रही वहां खड़े खड़े। मेरे को इतना हो रहा है कि यार ज्वेलरी चली गई। तेरे को पता है वो ज्वेलरी कितनी, मतलब बोलूँ कितनी थी उसमें, वो ज्वेलरी कितना लाखों का सामान चला गया। अब पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। यार कंप्लेंट करोगे आप? क्या करूँ तेरा यार, तू यार मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ वर्कलोड से। देख ये लिस्ट देख, ये सब लिस्ट मेरे को आज भेजनी है मेल पे, टाइपिंग करनी है, मेरे को सब कुछ करना है अभी। ये तो मैं क्या कर सकती हूँ, हो गई ना गलती मुझसे। ओके ज्वेलरी मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अरे ज्वेलरी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन तेरे को एक काम करने भेजा था, वो तूने ठीक से नहीं करा। उस बात के मेरे को गुस्सा आ रहा था, तेरे को क्या काम बोलूँ, मार्केट में कोई काम नहीं करती तू। और रोना बंद कर। और हाँ छोड़, अब किस्मत में लिखा था जाने वो गई। अगर वापस लिखा होगा किस्मत में तो तेरे को मिल जाएगी वो आदमी के। तेरे पास अपना फोन भी कैसे करेगा ना, उसे आदमी के पास तेरा एड्रेस है। तो बैंक में उतरी, और बैंक में जाके वो बोलेगा कि वो बैंक वालों क्या पता किसका है। अब मैं जाऊंगा बैंक और पता करके आऊंगा कि भाई यहाँ ऐसा कुछ हुआ है था क्या आदमी। अब ये ऑफिस का काम करूं क्या, ये तेरा ज्वेलरी वाला काम करूं। उसमें मेरे घर की भी ज्वेलरी थी तो घर की यार, ज्वेलरी याद है, मैंने दी वो याद नहीं। देखो वो मेरे मॉम डैड शादी पे दी थी। तो बोल दे उनको, अब जा ले वापस दे दो, नहीं दे दो या लेकर आ जाओ टैक्सी वाले पकड़ के, घर वाले ढूंढो जाओ सब मिलके। अब रोने से क्या होगा, जाना था वो माल चला गया, जिसको मिलना था वो मिल गया उसको, और उसने बेच के और पैसे ले लिए, और घूम रहा है यहाँ वहाँ सब चीजें खरीद रहा होगा। लेकिन तेरे से एक काम नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ तेरे से। डर से गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूँ मैं अभी। जैसे एक काम नहीं हुआ यार, ज्वेलरी मतलब बैग में रखने को कहा तेरे को मैंने, और इतना समझाया 10 मिनट तक तेरे को समझाया था मैंने बैठ के। मैं आराम से जाना, आराम से जाना, आराम से जाना, ओला करके जाना। पता नहीं ओला करके कहाँ गए मैडम, टैक्सी रिक्शा लोकल पकड़ ली। आप ही चले जाते ना फिर, पहले इतना पता, सुना पहले पता होता लिया। मैं चला जाता, लेकिन काम लेके बैठा हूँ 7 दिन से जो हो नहीं रहा मेरे से। मेरी लगी थी जो मैंने तेरे को बोला जाने को, एक दिन और रुक जाता क्या होता था।
छोड़ यार, मेरे को परेशान हो गया खुद। कॉल आ रहा हूँ। तो क्या करूँ फिर? कॉल आ रहा हूँ, बैठो ना। कॉल आ रहा हूँ। यार क्या, कहाँ जा रहा हूँ कर रही है, परेशान हो गया मैं तो खुद। रिलैक्स होना, कहीं बाहर जा रहा था। वो दिख रहा है वहाँ पे? मजाक कर रही थी। इतना क्या बात कर रहे हो? देख मैं से बता रहा हूँ, मेरा सही में बहुत हेडेक हो रहा है। ये भी काम का एक ले और मेरे लगा हो थोड़ी देर। अरे ज्वेलरी उड़ा दी तूने यार। और नहीं 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 उड़ाई, मैंने वीडियो बना रही थी। सॉरी, मेरे को पता आप फ्रस्ट्रेटेड थे, फिर मैंने सोचा आज एक प्रैंक बना लेती हूँ आपके साथ। क्या प्रैंक बना लेती हूँ या कुछ मजाक कर? मजाक के मूड में तो आज। अरे सच्ची प्रैंक बना रही हूँ यार। कितनी बजी है देख तू? 3 बजी और मेरे को 5 बजे फाइल भेजनी है और तू कह रही प्रैंक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। अरे देखो कैमरा लगा, प्रैंक के मूड में नहीं हूं अभी, बिल्कुल प्रैंक के मूड में नहीं हूं मैं। आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, कैसे ऐसे चिढ़ोगे आप? तो यार मेरे को देख, बहुत ऑलरेडी मैं बहुत टेंशन में। चलो चलो सॉरी, मैं अगली बार नहीं बनाऊंगी। आप फर्स्ट एड हो गए, जब कभी नहीं बनाऊंगी ऐसा वीडियो। मैं जा रहा हूं, मैं मूड सही हो तो बनाएंगे प्रैंक। वैसे भी चलो हाय तो बोल दो उनको। हाय बोल दो उनको। बात तो करो उनसे। क्या भाई करूँ यार, तू यार मेरा मूड खराब कर दिया पूरा। तू देखो जो बोलना है बोल देना फ्रेंड्स को और देख लेना। इतना क्या वर्कलोड है जो आप? गाइस ये तो चल रहा है बहुत ज्यादा। एक्चुअली मैंने बोला ना, जैसे ऑफिस के काम में इतना फ्रस्ट्रेटेड है, क्या वो तो तुमसे चले गए, अब उनको मनाना पड़ेगा बिकॉज आज बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से वो ऐसे हो गए हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस, और कैसा लगा वीडियो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय।